देखो एम्प्लॉइज को दोनों बात है, उनको कॉशियस भी कर रहे हैं और उनको ये बता भी रहे हैं कि भाई ये पैसा धेला साथ नहीं जाएगा, छाती पे चल के ईमानदार रहने की कोशिश करो, ईमानदारी से ही काम चलेगा। पैसा अगर जितना ज्यादा हम कमाने की कोशिश करेंगे, बच्चे खराब हो जाएंगे, घरवाली खराब हो जाएगी, और कुछ अड़चन पड़ जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी। थोड़ा दिमाग में एक हिंदुस्तान में पिछले 1000 साल से ये चल रहा था चक्र, ये हम गुलाम क्यों हुए? हमारे जो पूर्वज थे उस वक्त उनमें ऐसे लोग आगे बीच में वो पैसा लेके और विदेशों में कर देते थे, तो ऐसे एलिमेंट अभी भी कहीं है, तो उनको एजुकेटेड भी किया जा रहा है, एजुकेट करके भाई थोड़ा सा सही काम करने की कोशिश करो, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करो, नीयत ठीक रहेगी तो बरकत अच्छी होगी। तो मेरी प्राथमिकता रही है कि मैं हैफेड को आगे बढ़ाऊं, चमकाऊं, और हैफेड हरियाणा प्रदेश के जो कॉपरेटिव संस्थान हैं सारे कॉपरेटिव सेक्टर के, उनमें नंबर वन पर रहे, तो उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा विजन है उसको हैफेड को आगे बढ़ाने का। मोस्टली प्रोक्योरमेंट का काम हमारा होता है इसमें हैफेड में, तो इस बार पिछली बार 40% प्रोक्योरमेंट हमारी अलॉट थी हमें जो गेहूं की थी, इस बार 45% ड्यूटी लगाई गई हमारी, 45% परचेस करेगी हैफेड। इसके अलावा सरसों बाजरा, तो हमारी कोशिश ये रही कि जितना किसानों को उनका जो MSP का जो मूल्य है पूरा मिले। मैंने और कोशिश की है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अटेंडेंस वगैरह के लिए 31 मार्च तक सारा हो जाएगा, गोदामों में भी कर्मचारियों के लिए, ताकि वो सही समय पर आए और अब सही ड्यूटी पूरी दें, बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी हो जाएगी। दूसरा, हम किसी तरह की भी लीकेज वगैरह को रोकने के लिए, कई लोग ऐसी काली भेड़े होती हैं जो इमारत में ख्याल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम CCTV कैमरे का भी जो जल्दी हम 31 मार्च तक वो भी हो जाएगा सारी स्टेट में, गोदामों में भी, दफ्तरों में भी। हमारी ये कोशिश है कि जैसे मैं भी बता रहा था कि हैफेड के द्वारा वीटा के और खादी बोर्ड के और जो भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारी जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है या जैसे भी एनिमल फीड का है, वो सारी चीजें हम हैफेड के द्वारा लोगों को मुहैया कराएं, पीछे जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो सके और लोगों की इन्वॉल्वमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ सके। अभी हम विंग बनाने जा रहे हैं हैफेड में, सीम साहब का भी ये प्लान थी, उनके दिमाग में विचार था कि हैफेड अपना इसमें और थोड़ा बढ़ाए, हमने भी लोगों को बदला है अपना भी ताकि और अट्रैक्टिव सा थोड़ा हो, मार्केटिंग ऑफिसर्स बढ़ा रहे हैं जिससे कि हम और लोगों में जा सकें, जिससे कि हमारी जो सेल बढ़ सके, कि 2,76,00,000 का टारगेट यहाँ का सेल का था ईयर का, इसमें से 2,02,08,00,000 हो चुका है यानी 31 दिसंबर तक, अब इन 3 महीनों में 2,76,00,000 से बढ़कर ये और 3 करोड़ से ऊपर 3.5 करोड़ तक आएगा, तो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिले की। इसी तरह हर जिले में जो टारगेट्स फिक्स किए गए थे उनको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, अच्छी क्वालिटी की चीज मिले और ज्यादा बिक्री हो सके, जिससे कि हैफेड का भी नाम होगा, हैफेड का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा प्रॉफिट तो ध्यान कम है, हमारा ध्यान लोगों की इन्वॉल्वमेंट तरफ और लोगों को कॉपरेटिव सिस्टम में अपना विश्वास बढ़ाने तरफ ज्यादा है, इस बढ़ा सकेंगे जिससे कि लोग आम आदमी हैफेड के प्रोडक्ट पहुंच सके, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप विद इन 2-3 मंथ्स देखोगे आप कि वाकई बहुत ज्यादा विस्तार हो दिखाई पड़ेगा। जैसे अब गेहूं की 11-12% की नमी रिक्वायर्ड होती है, 12% की। अब किसान क्या करता है कि वो जल्दी उसमें कंबाइन से कटा के गीलाई कर ले जाता है, अब उस गीले को रखे कहाँ रखे, उसको वो सारा खराब हो जाएगा। किसान मैं मानता हूँ जल्दी होती है उनको, भाई पहले किसी को पैसे देने होते थे, कोई कर्जा होता था तो सोचते थे जल्दी करा के अपना जल्दी कर ले हम, कुछ किसी में लोभ भी होता था कि जल्दी काट लो, थोड़ा गीला हो जाए तो थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन अब हम गीला लेके रख लेंगे तो फिर वो तो गोदाम में खराब हो जाएगा। किसानों को भी पहले फर्क पड़ा है 19-20, और कोशिश कर रहे हैं हम ताकि वो किसान सूखा लाए माल, ताकि उनका आते ही बिक जाए, आते ही उसमें कोई अड़चन पड़े, कोई कटना हो, कोई किस बात का। पीछे वो पानी डालते हुए पकड़े थे,
उनको सस्पेंड किया गया था, एक्शन ले रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, साथ में लोगों को समझा भी रहे हैं और सख्ती भी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं ताकि उसकी रोकथाम भी हो और जहां कोई फिर भी नहीं मानेगा तो उनको फिर एक्शन भी रोक लिया जाएगा, कहीं को टर्मिनेट करने वाला टर्मिनेट करेंगे, सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड करेंगे, रिकवरी होगी, सारे काम होंगे। और वो सारा काम शुरू कर दिया है, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी, किस तरह खड़े भी, जैसे उसमें सहूलियत किसान की भी हो जाए और हमारा भी थोड़ा सूखा माल आ जाए और साफ आ जाए। और वैसे पहले से पिछले सालों से इस साल में कुछ थोड़ा 19-20 फर्क पड़ा है, इस बार लोग कुछ साफ लाए थे, धान भी जो आया वो पहले से कुछ क्वालिटी बेटर थी थोड़ी पहले से। देखो मैं तो किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की जो सरकार है वो किसान फ्रेंडली सरकार है, किसानों की खुशहाली चाहती है।